वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कह रहा है सिलिकॉन से क्या है, क्या है सिलिकॉन, क्या है ये, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की, BSc आपका सेकेंड सेमेस्टर, BSc सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का पोर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 तक, यानी कि 1 to 15 जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, BSc पार्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आज हमारा क्वेश्चन है 16, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इसकी एक साइट है www.paperhacker.in, www.paperhacker.in पर जब आप जाओगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हों आपके, प्ले लिस्ट हों, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो SiO, ठीक है, क्या होते हैं ये आपके सिलिकॉन होते हैं, क्या होते हैं SiO, श्रृंखलाओं से युक्त ऑर्गेनो सिलिकॉन बहुलक हैं, ठीक है। कौन सी श्रृंखलाओं से युक्त, यानी कि इस तरह की श्रृंखलाओं से युक्त, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहेंगे तो उन्हीं श्रृंखलाओं को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इन्हें एल्किल अथवा एरिल क्लोरोसिलेन से बनाया जाता है, चाहे वो आपका एल्किल हो या आपका एरिल क्लोरोसिलेन हो। एल्किल मतलब एक आपकी सीधी चेन की अगर हम बात करें, मान लो क्या है आपका CH3, CH2, CH, इस पर लगा दो Cl, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, एल्किल। और अगर हम बात करें एरिल क्लोरोसिलेन की, ये क्या हो जाएगा, मान लो कुछ इस तरह का, ये क्या होगा आपका चक्रीय यौगिक होगा, ठीक है, जिस पर क्या लगा होगा आपका कोई एल्कोहल लगा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं आपके एल्किल और एरिल मतलब कोई आपका चक्रीय यौगिक होगा, ठीक है। से बनाया जाता है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा प्लस क्या होगा आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया द्वारा इनको जो है बनाया जाता है। तो इनकी क्रिया किस तरह से होती है, अब हमने केवल ये देखना है, ठीक है। क्या है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और क्या है आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पर ये आपका दे रखा है CH3MgCl, क्या है CH3MgCl, जो कि आपका क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको GR कहते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका, जिसको कहते हैं मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl, ठीक है, क्लोराइड है। और यहाँ पर अगर आपका BR आ जाएगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा। यह क्या है आपका SiCl4, जिसे कहते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इन दोनों की अभिक्रिया करानी है, क्या है आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्लस क्या है आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों की जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका कुछ इस तरह से मैथिल ट्राइक्लोरोसिलेन, क्या बनेगा CH3SiCl3, इसको कहते हैं मैथिल ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है, मैथिल ट्राइक्लोरोसिलेन। अब ये बनेगा कैसे, यहाँ पर जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है CH3MG और क्या है आपका CH3MgCl, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जो कि किस फॉर्म में रहता है आपका कार्बन पे प्लस और Mg वाले पे आपका माइनस का चार्ज रहता है। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, Si और Cl4, इस पे कितने Cl रहेंगे, 4 Cl रहेंगे, ठीक है, किस पे Si पे, 1 Cl 3 Cl 4 Cl। अब क्या होगा, ये मान लो इससे कोई एक Cl निकलना है, क्या निकलना है, कोई एक Cl निकलेगा तभी आपका Si पे क्या आएगा, प्लस का आएगा और Cl क्या करेगा,
माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन होगा जिसपे माइनस का चार्ज था, ये फिर किससे लग जाएगा, आपका एस आई से लग जाएगा, क्योंकि एस आई पे अब कैसा आ गया, प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा माइनस की फॉर्म में। अब ये जो बाहर निकला क्लोरीन है आपका माइनस की फॉर्म में, ये जो आपका प्लस किस पे था, एम जी पर आपका जो प्लस का चार्ज था उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, एम जी सी एल टू, क्या बना लेगा भाई, एम जी सी एल टू, एक्स सी एल इसके साथ पहले से तो बन गया एम जी सी एल टू, और ये आपका एस आई सी एल थ्री पूरा पोर्शन आके आपका कहाँ लग जाएगा, सीएच थ्री वाले कार्बन से लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीएच थ्री वाले कार्बन से आपका लग जाएगा और बन जाएगा आपका सीएच थ्री एस आई सी एल थ्री, सीएच थ्री एस आई सी एल थ्री प्लस साथ ही क्या बनेगा आपका एम जी सी एल टू, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये कब की बात थी, जब हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है। कितना मोल लिया था, एक एक मोल लिया था दोनों का। हमने क्या करना है, जो हमारा ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ठीक है, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके हमने कितने मोल ले लिए, दो मोल, या दो अणु ले लिए इसके, कितने अणु ले लिए, दो अणु लेने पर क्या होगा, अब इसके दो अणु लगेंगे यहाँ से, ठीक है, एस आई सी एल फोर जो आपका लिखा हुआ है एस आई, और इस पे कितने सी एल है आपके, चार सी एल सी एल सी एल सी एल, अब यहाँ से आपके दो सी एल बाहर निकलने, भाई दो सी एल बाहर निकलेंगे एक एक करके, तभी जाके दो मेथल इससे लगेंगे ना, जब दो सी एल बाहर निकलेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या लगेगा आपका, यहाँ पर आपके क्या है, दो एम जी है भाई, दो एम जी है और दो सी एल आपके यहाँ से निकलेंगे, कितने हो गए, दो एम जी और दो सी एल, तो ये दो एम जी सी एल टू आपके बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, दो एम जी सी एल टू आपके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दो सी एल तो इसी के साथ में, दो एम जी भी है और दो सी एल आपको यहाँ से मिलेंगे, तो ऐसा ही सी एल टू बचेगा, क्या बचेगा, ऐसा ही सी एल टू बचेगा, जो कि आपका यहाँ पर आके एक एक करके लग जाएगा, तो सी एस थ्री का होल ट्वाइज ऐसा ही सी एल टू प्लस आपका क्या बनेगा, दो एम जी सी एल टू बन जाएंगे, ठीक है। इतना बन जाएगा कब, जब हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे किसके, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के। अब हमने अगर तीन मॉलिक्यूल ले लिए इसके ग्रिगनार्ड रिएजेंट के तो क्या होगा, अभी जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के आप तीन मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आपको तीन सी एल निकालने पड़ेंगे भाई, एक सी एल निकालोगे तो एक सी एच थ्री लगेगा, दूसरा सी एल निकालोगे तो दूसरा सी एल लगेगा, तीसरा सी एल सी एल यहाँ से निकालोगे तो तीसरा सी एच थ्री लगेगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ केवल ऐसा ही सी एल बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ऐसा ही सी एल बच जाएगा, और यहाँ से तीन एम जी सी एल आपके बाहर निकल जाएंगे, तीन एम जी सी एल आपके बाहर निकल जाएंगे और तीन सी एल आपके यहाँ से निकल गए, तो छः हो गए ना सी एल, तो थ्री एम जी सी एल टू लिख सकते हैं, थ्री एम जी और सी एल कितने होगा, छः, तो थ्री एम जी सी एल टू लिख सकते हैं, और ये क्या होंगे, थ्री सी एच थ्री आपके कहाँ लगेंगे, ऐसा ही से जाके, ठीक है, कुछ इस तरह से सी एच थ्री का होल थ्राइज, सी एच थ्री का होल थ्राइज, ये ऐसे लिख लो, ऐसा ही एक सी एल और आपके क्या है सी एच थ्री, और ये क्या है आपका सी एच थ्री, और ये क्या है आपका सी एच थ्री, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन। ये कब की बात है, जब हमने तीन मोल लिए थे किसके, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के, तब बना क्या, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन। जब हमने दो मोल लिए थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के, तब क्या बना था, डाईमेथिल क्लोरोसिलेन। एक मोल लिया था तब क्या बना था, मेथिल ट्राई क्लोरोसिलेन, ठीक है। तो हो क्या रहा है भाई, अगर यहाँ पर सी एच थ्री बढ़ा रहे हैं तो एक सी एल कम हो रहा है ना, सी एच थ्री की संख्या अगर हम बढ़ा रहे हैं तो सी एल आपका कम हो रहा है। यहाँ क्या, सी एच थ्री एक है तो सी एल थ्री कितने हैं, तीन है आपके। सी एच टू कितने हैं, दो, तो सी एल टू कितने हैं, दो आपके। सी एच थ्री तीन है तो सी एल कितना रह गया, एक रह गया। यानी कि सी एच थ्री की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही, वैसे वैसे सी एल की संख्या आपकी घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ इतना बन गया आपका ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन। अब कह रहा है उपर्युक्त तीनों जो आपने अभी तक ऊपर देखे थे, उपर्युक्त तीनों सिलिकॉन में से मैथिल ट्राईक्लोरोसिलेन तथा डाईमेथिल ट्राईक्लोरोसिलेन अधिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, कौन कौन से, ऊपर जो आपके तीनों सिलिकॉन है, एक तो पहला था आपका मैथिल ट्राईक्लोरोसिलेन, दूसरा डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन, तीसरा आपका ट्राईमेथिल और क्लोरोसिलेन। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, मैथिल ट्राईक्लोरोसिलेन, यानी कि सबसे पहला वाला कौन सा, सी थ्री एस आई सी एल थ्री, यही तो है पहला। दूसरा कह रहा है डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन, यानी कि सी एच टू और एस आई सी एल टू, ये दो आपके कहते हैं इंपोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन
275 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये बात ध्यान रखना है, 275 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर, ठीक है, Cu की उपस्थिति में चूड सिलिकॉन पर मेथिल क्लोराइड प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। कॉपर की उपस्थिति में क्या करना है, चूड सिलिकॉन पर मेथिल क्लोराइड, क्या, मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन, ठीक है, क्या है, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन, इसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कह रहा है ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन 275 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करना है भाई, चूड़ सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या करना है आपको, चूड़ लेना है, ठीक है, पर सिलिकॉन पर किसकी रिएक्शन करनी, मेथिल क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं CH3Cl, इन दोनों की रिएक्शन कर दो आप 270 से 275 से 375 पर, तो 275 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, इनकी आपस में कर दो रिएक्शन, क्या कर दो, इनकी आपस में रिएक्शन कर दो भाई, ट्राई मेथिल है ना, तो ट्राई मेथिल सीधे सीधी बात है कि हमें CH3 कितने चाहिए होंगे, तीन, कितने, तीन, तो हमने यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, मेथिल क्लोराइड के हमने तीन मॉलिक्यूल ले लिए, और ऐसा ही कितना है आपका, एक, कितना है, एक। अब यहाँ देखो कि जो आपके यहाँ पर तीन Cl हैं और CH3 कितने, तीन, और ऐसा ही कितना है आपका, एक, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऐसा ही और Cl बन गया, मान लो क्या बन गया आपका, CH3 का होल थ्राइज, यानी कि तीन Cl आपके आ गए, और किससे लग गए, ये आके आपके ऐसा ही से लग गए, आके किससे लग गए, ऐसा ही से लग गए। अब इसमें तीन Cl हैं, तीन Cl में से आपका एक Cl तो इसी के साथ लग गया, प्लस आपके Cl2 आपका जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, माइनस आपका Cl2 हो जाएगा, ठीक है, और बन क्या जाएगा आपका, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, चूड़ उत्प्रेरक की उपस्थिति में चूड़ सिलिकॉन पर, भाई कॉपर की उपस्थिति में सिलिकॉन पर मेथिल क्लोराइड प्रवाहित कर SI प्लस CH3Cl, ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा वही जो आपने ऊपर देखा था, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप, जो कि आपसे ट्राई मेथिल क्लोरोसिलेन के बारे में पूछ सकता है या बनवा सकता है। अब हम बात करें, कह रहा है सिलिकॉन्स रेखीय, चक्रीय, क्रॉस श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं, आपके लीनियर हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं, आपके साखित हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके रेखित हो सकते हैं, और चक्रीय मतलब आपके गोलाकार हो सकते हैं, चक्र टाइप हो सकते हैं, आपके साइक्लिक हो सकते हैं, और आपके कैसे हो सकते हैं, क्रॉस श्रृंखलाबद्ध, कैसे, क्रॉस श्रृंखलाबद्ध आपके हो सकते हैं, तो ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कह रहे हैं रेखीय सिलिकॉन्स बनाने की विधि, रेखीय सिलिकॉन बनाने की विधि, किस तरह से रेखीय सिलिकॉन को हम प्रिपेयर करेंगे, करें क्लोराइडों के जल अपघटन के फलस्वरूप अनुरूप सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। जब क्लोराइडों का जल अपघटन किया जाता है तो क्या मिलता है, उन्हीं के अनुरूप हमें सिलिकॉन प्राप्त होते हैं, जो संघनन द्वारा यानी कि कंडेंसेशन द्वारा बहुलीकृत होकर रेखीय सिलिकॉन देते हैं। अब उनका क्या मिलेगा, जो आपको अनुरूप सिलिकॉन मिले हैं उनका क्या करना है, आपको संघनन कर देना है या कंडेंसेशन कर देना है, यानी कि H2O बाहर निकाल देना है। संघनन मीन्स क्या करना है आपको, H2O बाहर निकाल देना है, तो जो मिलेगा आपको कैसे होंगे, रेखीय सिलिकॉन यानी कि लीनियर सिलिकॉन आपको मिलेंगे। तो किस तरह से हमें ये मिलेगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई एक क्लोराइड लेना है, ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसका जब आप जल अपघटन करोगे, ठीक है, क्या करोगे, जल अपघटन करोगे, तो जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा आपको, डाईमेथिल सिलेन डाईऑल मिलेगा। ये क्या आपका CH3 SI और Cl2, ये हो जाएगा डाईमेथिल, दो तो आपके मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, दो ही Cl, तो डाई क्लोरो और SI मतलब सिलेन, तो डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन का क्या कर दो भाई, जल अपघटन कर दो, ठीक है, H2O कर दो, इसका क्या करना है, H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है,
जब आप H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो मान लो ये क्या करेगा, H2O इसके मॉलिक्यूल हमने कितने ले लिए, दो, तो क्या हो जाएगा HOH, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका HOH, तो यहाँ से आपका HCl कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, अभी क्या निकल जाएगा माइनस का HCl, और जो बचा आपका OH वो जाके दोनों बॉन्ड से जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, तो भी दो OH हो गए इस पर, दो Cl, दो CH3 हो गए, तो डाईमेथिल हो गया और सिनेल और डाईऑल, डाईमेथिल सिलेन डाईऑल, ठीक है, दो इस पर OH ग्रुप आपके लगे हुए हैं जिसे ऑल कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कर लिया हमने, इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, ये आपका वही है जो वहां पर लिखा हुआ है, डाईमेथिल सिलेन डाईऑल के दो अणु ले लिए हमने ये वाले, ठीक है, एक एक करके। अब इनका क्या कर देते हैं, इनका हमने क्या करना है, इनका आपको क्या करना है, जल अपघटन करना, संघनन कर देना, यानी कि कंडेंसेशन इन दोनों का कर देना। जब इनका संघनन करोगे, कंडेंसेशन करोगे, तो माइनस H2O आपका बाहर निकल जाएगा, OH और यहाँ का H, ठीक है, OH और यहाँ का H, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, बन गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, इसका जो OH था वो निकल गया, और इसका OH से क्या ले लिया, H ले लिया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आपका बन गया, और इस तरह से जो बनेगा वो आपका कैसा होगा, रेखीय होगा या लीनियर होगा, कैसा होगा, रेखीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूंकि उपर्युक्त श्रृंखला के दोनों सिरों पर सक्रिय OH समूह शेष है, जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा, इसको दोनों सिरों पर आपको दिखाई दे रहा कि OH ग्रुप कैसे ये एक्टिव होता है और कैसा अभी प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों सिरों पर कैसा शेष है, यानी कि अभी ये और मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, अतः बहुलीकरण दोनों सिरों पर निरंतर होता रहता है, अभी दोनों सिरों पर निरंतर होता रहेगा, उधर लगा दोगे तो अगला जो आएगा उस पर OH बचा रहेगा, इधर लगा दो तो इधर जो आएगा उस पर OH बचा रहेगा, यानी कि दोनों सिरों पर आपका OH शेष रहना है, ठीक है, जब तक कि आपके मॉलिक्यूल खत्म ना हो जाएं। इस प्रकार श्रृंखला लंबाई में बढ़ती रहती है, लंबाई होगी जब जुड़ते रहेंगे तो, और अंत में रेखीय थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बनता है, क्या बनता है अभी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, अगर इनको आप गर्म करोगे, हीट करोगे तो ये पिघल जाएंगे, और इनको आप दोबारा से ठंडा करोगे ये तो दो ये दोबारा से ठोस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक, गर्म करने पर पिघल जाते हैं, ठंडा करने पर दोबारा से आपके ठोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए हैं, किसके, डाई मैथिल सिनाइल डाईहॉल, ठीक है, डाई मैथिल सिनाइल डाईहॉल के ये आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, एक ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है, तो कह रहा रेखीय सिलिकॉन, अब क्या बन गया, रेखीय सिलिकॉन बन गया, ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी आगे तक हो सकती है, और एक बहुत लंबी श्रृंखला वाला आपको रेखीय सिलिकॉन प्राप्त हो सकता है। ये तो था आपका रेखीय वाला। अब हम बात करते हैं चक्रीय सिलिकॉन बनाने की विधि का, क्या चक्रीय सिलिकॉन को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि रिंग टाइप इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन, जब रेखीय सिलिकॉन के सिरों पर स्थित OH समूह से जल अणु निष्कासित होता है या उसको निकाल दिया जाता है तो चक्रीय सिलिकॉन्स बनते हैं, ठीक है, क्या होता है, अब क्या करना है, हमने क्या करना है, जो आपके रेखीय सिलिकॉन होते हैं, अभी ऊपर देखा ना रेखीय सिलिकॉन, इनके सिरों पर जो OH लगा होता है, क्या लगा होता है, OH लगा होता है, उन्हीं सिरों से क्या कर देना है, H2O हटा देना है, क्या कर देना है, H2O आपको हटा देना है, और जब हटा दोगे तो क्या बनेगा, आपको एक रेखीय सिलिकॉन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रेखीय सिलिकॉन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से, मान लो इसके हमने तीन मॉलिक्यूल ले लिए, कितने मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पर हमने इसके तीन मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ये है आपका कैसा चक्रीय, अभी ये बनेगा कैसे, हमने क्या करना है, HOSI, ठीक है, और क्या था इस पे CH3, और क्या था इस पे CH3 OSI, और इस पे भी आपका CH3 था, और इस पे भी आपका CH3 था, O और SI, और इधर भी आपका CH3 था,
और इधर भी आपका क्या था CH3 और इस पे क्या था आपका OH। तो इसके हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए, कितने ले लिए, तीन मॉलिक्यूल वाली हमने एक श्रृंखला ले ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका जो OH है और इसका H, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देना है, बाहर कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से माइनस H2O को यहाँ से बाहर कर देना है। जब H2O निकालोगे तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, इस वाले सिलिकॉन पे आपका प्लस का आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आपका कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो फोल्ड किस तरह से होंगे, तो ये फोल्ड आपके इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से आपके फोल्ड हो जाएंगे। मान लो ये आपका बीच वाला कार्बन है, ठीक है, पहला कार्बन, तो ये हो गया आपका पहला ऐसा ही, ये आपका दूसरा, ये लिख लो दूसरा, ये आपका तीसरा, तो यहाँ लिख लो आप तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जो बाहर वाले ये दोनों हैं इनको मिला के हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, प्लस माइनस इनको क्या कर दिया हमने ऐसे जोड़ दिया, और जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका चक्रीय सिलिकॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैसा बन जाएगा, चक्रीय सिलिकॉन आपका ये बन गया, ठीक है, बन जाएगा, बना लोगे। तीन मॉलिक्यूल ले लें या चार लेना, पांच, जितने चाहे ले सकते हो, लेकिन क्या करना है, पहले टर्मिनेंट का और एंड दोनों सिरों का, एक का OH दूसरे का H, इन दोनों में से एक को OH हटा देना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन पे आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा। दूसरे सिरे से क्या करोगे आप, हाइड्रोजन को हटाओगे तो उस ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। इन दोनों सिरों को कुछ इस तरह से आप जोड़ देना, ठीक है, इस तरह इसकी फॉर्म में लिखे, दोनों सिरों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा आपका, चक्रीय सिलिकॉन बन जाएगा, ठीक, बन गया चक्रीय। चलो अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्रॉसित श्रृंखला बद्ध सिलिकॉन के बनाने की विधि। अब क्या करना है, कुछ ऐसे सिलिकॉन बनाने जो कैसे होंगे आपके, क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध, कैसे होंगे, क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन को बनाने की विधि, यानी कि किस तरह से क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन को बनाया जाता है। तो कह रहे हैं एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, क्या होगा, एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन C3SiCl3, जल अपघटन करने पर, जब इसका जल अपघटन किया जाएगा तो मोनोमेथिल ट्राई, मोनोमेथिल सिनेल ट्राइओल देता है, क्या देगा, मोनोमेथिल सिनेल ट्राइओल देगा, ठीक है, यानी कि एक CH3 रहेगा, ऐसा ही रहेगा, और ट्राइओल की यानी कि तीन OH ग्रुप आपके ऐसा ही से लगे रहेंगे, जो फिर बहुलीकरण द्वारा एक बहुत जटिल क्रॉसित श्रृंखला देते हैं। अब इनका क्या कर देना है, पॉलीमराइजेशन कर देना है, इनको आपस में जोड़ देना है, तो जो आपको मिलेगा जटिल यौगिक वही क्या होगा आपका, वही आपका हो जाएगा क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन, क्या हो जाएगा, क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। तो सबसे पहले हम बात करें, हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा है कि जो आपका एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन होता है, क्या है भाई, एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन क्या है, C3SiCl, तो ये आपका हो गया एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, जिसे मैथिल ट्राइक्लोरोसिलेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप है वो कैसा आपका मिथाइल है, मिथाइल भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन का क्या करना है, जल अपघटन करने पर, तो इसकी रिएक्शन वही कर दो जल के साथ में, तो जल के साथ जब रिएक्शन करोगे तो जितनी जगह आपके Cl हैं, क्या है, जितनी जगह आपके Cl हैं, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से HOH के साथ में कर दो तो HCl यहाँ से, और इसकी रिएक्शन HOH के साथ कर दो तो यहाँ से HCl, और इसको भी लिख लो यहाँ पर HOH, ये जल ही है आपका HOH, तो यहाँ से तीन HCl आपके बाहर निकल जाएंगे। अब HOH के साथ में क्या बचा, OH, OH जाके कहाँ लग जाएगा, बचा हुआ OH आपका, ऐसा ऐसे तीनों OH आपके कुछ इस तरह से जो है लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, C3SiOH का होल थ्राइड, तो ये बन जाएगा आपका Si, ये क्या लगा, एक CH3OH, तो बन जाएगा मेथिल सिनेल ट्राइओल, मेथिल सिनेल ट्राइओल का फॉर्मेशन होगा, कब, जब आप मेथिल ट्राइक्लोरोसिनेल का जल अपघटन करोगे, हमने कर दिया जल अपघटन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसका क्या करना है, बहुलीकरण करना है, अभी मेथिल सिनेल ट्राइओल मिला है, इसका क्या कर देना है, अब कर देना है बहुलीकरण, ठीक है, क्या कर देना है अभी इसका बहुलीकरण, मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ देने, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, तीन मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए हैं किसके, मेथिल सिनेल ट्राइओल के। अब इन तीनों को आपस में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, अभी प्लस का लगा हुआ है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से आपका OH निकलेगा, ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से कितना निकल जाएगा, दो एच टू ओ यहाँ से आपके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये क्रिया यहाँ से आगे इस तरह से चल रही है, माइनस टू एच टू एच टू, ठीक है, माइनस टू एच टू आपके, एक ओ एच यहाँ से, एक ओ एच यहाँ से। अब इन दोनों के बीच में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया भाई सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, क्या बन गया, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड इस तरह से जो है बन जाएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है, ठीक है भाई, बन गया सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में। अब क्या करना है, इसका दोबारा से जल अपघटन करना है। क्या करना है, दोबारा से जल अपघटन करना है भाई। दोबारा से जल अपघटन करने के लिए हमने क्या करा, जो अभी हमको यहाँ पर मिला था इसके हमने टू मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए, टू मोल, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। इतना ऊपर वाला मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा मोल है, ठीक है। तो ये पहला मोल, ये दूसरा मोल, इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रख लिया है कि दोनों का जो ओ एच ओ एच है वो कहाँ रहेगा, एक दूसरे के पास में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इनका जब जल अपघटन करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच टू ओ आपका बाहर निकल जाएगा। इसका ओ एच और इसका एच ले लो, इसी तरह से इसका ओ एच, इसका एच, और इसी तरह से इसका ओ एच और इसका एच, मतलब कि तीन एच टू ओ आपके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, तीन एच टू ओ आपके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों के, इसका सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन और इसका जो ऑक्सीजन है इस वाले का, इसके बीच में बॉन्ड, सिलिकॉन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, सिलिकॉन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो ये, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसी को कहते हैं क्रॉसिथ श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन, क्या कहते हैं, क्रॉसिथ श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो ये तो था आपका आज का, जिसमें पूछा था कि सिलिकॉन क्या है और किस प्रकार से सिलिकॉन्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने दो तीन मेथड पढ़े थे, क्या पढ़ा था आपने, एक तो लीनियर पढ़ा था, रेखीय सिलिकॉन पढ़ा था, चक्रीय सिलिकॉन पढ़ा था, और एक आपने थर्ड क्या पढ़ा था, क्रॉसित श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। तो इन तीनों को बनाने का मेथड पढ़ा था, सिलिकॉन क्या होते हैं ये जाना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।